अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉर डिज़ाइन पर्पस वी यूज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो आरसीसी में हमें बीइंग्स डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, तो उस पर्पस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक M30 कॉन्क्रीट एंड यूज़ इट फॉर बीम डिज़ाइन। तो अभी आगे हमारे पास बीम जो चैप्टर आएगा उसमें हम डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक लिमिट स्टेट मेथड, WSM एंड LSM। सो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इन शॉर्ट यहाँ पे देख लीजिए, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा CBC से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा M30, हम M30 की बात कर रहे हैं, तो 30 उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो क्या हो गया, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो गई इसकी वैल्यू फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने सोम में पढ़ा होगा, क्या होता था, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा CBC की वैल्यू क्या आ जाती है, 30 जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, अपॉन स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसकी WSM में वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ओके। तो सिग्मा CBC की वैल्यू आ जाती है 10 न्यूटन पर mm². नाउ सेकेंड मेथड इज़ लिमिट स्टेट मेथड। सो लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो जाता है, सिग्मा CBC इक्वल्स टू 0.67 FCK अपॉन स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ LSM कितना हो जाता है, 1.5। तो यहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू क्या आ जाती है, 13.4 न्यूटन पर mm². अभी आप बस सुनते चलते जाना है, अभी सिर्फ हम सम कोड्स देख रहे हैं IS के, IS 456:2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। LSM क्या है, WSM क्या है, कैसे हम WSM LSM में डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे, ओके। नाउ सेकेंड यूज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ मिक्सेस। तो आपको पता है डिज़ाइन ऑफ मिक्सेस कितने, मिक्स कितने टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स और एक दूसरा हमारे पास क्या है, डिज़ाइन मिक्स। तो पहले हम नॉमिनल मिक्स देख लेते हैं। नॉमिनल मिक्स है हमारे पास M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, और M20 और M25 को हम डिज़ाइन मिक्स भी, डिज़ाइन मिक्स के डिज़ाइन करके भी मिक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और नॉमिनल मिक्स की यहाँ पे हमें कोड ने वैल्यूज़ दे रखी है कि हमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कितना कितना प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा। तो 1 M5 के लिए सीमेंट का प्रोपोर्शन 1, सैंड का प्रोपोर्शन 5 और एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 10। सिमिलरली M7.5 के लिए कोड क्या बोलता है, सीमेंट का प्रोपोर्शन 1, सैंड का प्रोपोर्शन 4 एंड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 8। तो 1:4:8 हो जाता है M75 का, ठीक है। सिमिलरली आपको M10, 15, 20, 25 के क्या दे रखे हैं, प्रोपोर्शन दे रखे हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट के, ओके। तो आपको ये याद रखना होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ अब पहले हमने नॉमिनल मिक्स की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे डिज़ाइन मिक्स की, ठीक है। तो डिज़ाइन मिक्स फॉर ग्रेड्स ऑफ M20 एंड अबव वी कैन गो फॉर डिज़ाइन मिक्स। तो M20 तक आप नॉमिनल मिक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर M20 के अबव M25, 30, 35, 40, तो इन सब के लिए आप क्या यूज़ करोगे, डिज़ाइन मिक्स यूज़ करोगे, ठीक है। और डिज़ाइन मिक्स में क्या होगा आपका, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। नोट, इन डिज़ाइन मिक्स वी डिज़ाइन द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स हिट एंड ट्रायल फॉर डिफरेंट एग्रीगेटेंट्स लाइक सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट वाटर एट्सेट्रा।
In this case, the target mean strength is kept equal to FM mean strength. तो mean strength हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन मिक्स में क्या करोगे आप, हिट एंड ट्रायल करोगे, किस चीज़ के लिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर के प्रपोर्शन के लिए, ओके। सो यहाँ पे दूसरा यूज़ हमने पढ़ लिया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फॉर रूटीन क्वालिटी कंट्रोल एट साइट, इफ़ 3 cubes आर टेस्टेड, द स्ट्रेंथ ऑफ 3 cubes आर 31.5, 30.8 एंड 30.5. सजेस्ट वेदर दे आर एक्सेप्टेबल फॉर M30 और नॉट। तो ये क्या बोल रहा है कि साइट पर आपने 3 क्यूब बना दिए और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दी है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या क्या आई, एक की आई 31.5, एक की आई 30.8 और एक की आई 30.5। मुझे ये पता लगाना है वेदर दे आर एक्सेप्टेबल फॉर M30 और नॉट, ओके। M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए ये तीनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे ये हम, हमारे पास है मीन ऑफ, हमारे पास क्राइटेरियाज हैं जिसको, जो हमें किसने दिए हैं, IS 456-2000 ने हमें क्राइटेरिया दिया है, और उस क्राइटेरिया अगर वो अगर ये वैल्यूज़ इन क्राइटेरियाज पे खरी उतरती है तो ये एक्सेप्टेबल है, किसके लिए, M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया तीनों वैल्यूज़ का, ठीक है। सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, मीन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या बोलता है हमारा कोड। पहला क्राइटेरिया है एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स FM शुड नॉट बी लेस देन FCK प्लस 0.825 टाइम्स सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि किस ग्रेड के ऑफ कॉन्क्रीट के लिए कितना एज्यूम करके चलते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। और FCK प्लस 4, विच एवर इज़ मोर। तो इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ FCK क्या हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कितनी है, M30, 30 है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 0.825 इंटू डेविएशन। तो M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 5.0, तो 5 हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी और आ गया हमारा 34.125। नाउ FCK प्लस 4, 34, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 34.125। क्राइटेरिया क्या बोलता है कि FM शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू, और हमारा पर FM कितना आया है, हमारा मीन तो इतना आया है 30.93 और ये आया 34.125, तो ऑब्वियसली ये छोटा है, ये हमारा बड़ा है, ये वैल्यू FM की छोटी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू, तो ये लेस है तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। सो ये जो क्यूब्स बनाए हैं हमने जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये निकल के आई है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोलता है कोड, सेकेंड क्राइटेरिया है द इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ द 3 क्यूब्स विद रिस्पेक्ट टू मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ क्या थी, ये वाली जिसको हमने मीन निकाला है, जो हमने अभी मीन निकाला, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया तो मीन स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ द 3 क्यूब्स विद रिस्पेक्ट टू मीन स्ट्रेंथ शुड बी विद इन प्लस माइनस 15%, तो ये इसकी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने 2 क्राइटेरिया देख लिए हैं, अब हम एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, बस आप भी आपको सुनते चले जाना है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स फॉर M30 हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 33 न्यूटन पर mm², 36.5 न्यूटन पर mm² एंड 37 न्यूटन पर mm², सजेस्ट वेदर दे आर एक्सेप्टेबल और नॉट। तो यही बोल रहे हैं
तीन क्यूब्स की स्ट्रेंथ आई है ये 36.5 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाता है, मीन निकाल देंगे हम सब क्यूब्स का। मीन कैसे निकालेंगे, 33 प्लस 36.5 प्लस 37 डिवाइड बाय 3, तो आ गया 35.5। ये क्या आ गया, मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ 35.5। नाउ पहला क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले क्राइटेरिया ने क्या बोला, FCK प्लस 0.825 टाइम्स डेविएशन और FCK प्लस 4, तो FCK प्लस 0.825 टाइम्स डेविएशन, तो कितना आ जाता है FCK, कितना हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 30। M30 है ना, M30 के लिए पूछ रहे हैं, तो 30 हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK की वैल्यू 0.85 इंटू डेविएशन। तो आपको पता है कि M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, तो 30 34.125, यहाँ पे 34.125 आ गया है। नाउ FCK प्लस 4 और FCK प्लस 4, तो 30 प्लस 4 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करेंगे हम, मैक्सिमम, तो कौन सा मैक्सिमम हो जाता है, 34.125 इज मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम है। तो हमने आ रहा क्राइटेरिया क्या कहता था, कि जो मीन है वो किससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या वो छोटा है, नहीं, हमारा मीन बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया इसने पूरा कर लिया है, ठीक है। इस क्राइटेरिया पे ये वाला खरा उतरा है, तीन वैल्यूज़ जो हमारी आई थी, तो यहाँ पे हेंस ओके हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया समझेंगे, ये वाला तो आप समझ गए होंगे, सेकेंड आपको नहीं आया होगा समझ। द इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ द थ्री क्यूब्स विद रिस्पेक्ट टू मीन स्ट्रेंथ शुड बी विद इन प्लस माइनस 15%। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखेंगे हम। इंडिविजुअल वेरिएशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने क्या बोला था, इंडिविजुअल वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट, हर इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब है हर रीडिंग की हम किस वेरिएशन निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, मीन स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। मीन स्ट्रेंथ कैसी आई थी, सारी रीडिंग्स का सम डिवाइडेड बाय 3, जो कि आया था 35.5, तो सबका वेरिएशन निकाल देंगे। वेरिएशन कैसे निकालेंगे, हर रीडिंग का, सॉरी हर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो एक रीडिंग सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी आई थी पहली 33.0, तो इसको किससे माइनस करेंगे, मीन स्ट्रेंथ से, डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू मीन स्ट्रेंथ। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ थ्री क्यूब्स विद रिस्पेक्ट टू मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। मीन स्ट्रेंथ हमने निकाली थी 35.5, और तीनों क्यूब्स के चाहिए हमें वेरिएशन, ठीक। सो यहाँ पे तीनों क्यूब्स की वेरिएशन हमने कैसे कैलकुलेट करी, ठीक है, हमने उनकी स्ट्रेंथ में से मीन स्ट्रेंथ माइनस कर दिए और डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रेंथ, तो कितनी वेरिएशन है, क्या है, हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हमारे पास आता है पॉइंट माइनस 7.04%, यहाँ पे आ जाता है प्लस 2.82%, थर्ड केस में हमारे पास है 4.3%, ठीक है। तो ऑल द क्यूब्स आर विद इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस 15%, हेंस दे आर एक्सेप्टेबल। तो हमने सेकेंड क्राइटेरिया में पढ़ा था कि वेरिएशन हर क्यूब की स्ट्रेंथ की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन स्ट्रेंथ वो किस रेंज में होनी चाहिए, प्लस माइनस 15%। तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस माइनस 15% की रेंज में है, सो ये सब ऑब्वियसली है ये तीनों रेंज में, इसलिए यहाँ पे हमारा ये एक्सेप्ट हो जाता है, ये वाला क्राइटेरिया भी ये तीनों क्यूब्स की स्ट्रेंथ फुलफिल कर रही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। थ्री क्यूब्स फॉर M30 हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 29.0 37.5 एंड 36.5, सजेस्ट
these cubes are acceptable for M30 or not. तो फाइ फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मीन स्ट्रेंथ निकालना. मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तीनों क्यूब्स की स्ट्रेंथ को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 3. 29 प्लस 37.5 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाता है 34.33. ओके, नाउ फर्स्ट, अब हमारा FM आ गया है. नाउ फर्स्ट क्राइटेरिया वही FCK प्लस 0.825 सिग्मा डेविएशन, और डेविएशन की वैल्यू कितनी है 0.5 रखेंगे. M30 के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं FCK क्या हो जाएगा. M30 है तो FCK क्या हो जाएगी, 30 न्यूटन पर mm square. अगर यहाँ M20 होता तो FCK क्या होता, 20 न्यूटन पर mm square, जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. ठीक है, यहाँ पे 30 तो ये 34.125 आ गया हमारा. ठीक है, और यहाँ पे और FCK प्लस 4 जो कि होता है 34, और इनमें से कौन सा आप कंसिडर करोगे जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कौन सा है, 34.125 इज मैक्सिमम. पर हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है, जो FM है उसकी वैल्यू किससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इस वैल्यू से. तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि FM की वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, तो यहाँ पे ये वाला फैक्ट तो क्लियर होता है, ये वाली चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है. पर दोनों चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये वाला फैक्ट क्राइटेरिया भी और ये वाला वेरिएशन का क्राइटेरिया भी. ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है. सेकेंड क्राइटेरिया बोलता है कि इंडिविजुअल वेरिएशंस जो है वो प्लस माइनस 15% की रेंज में आनी चाहिए. ठीक है, वेरिएशन निकालना हम सीख चुके हैं. वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मीन स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो मीन स्ट्रेंथ आपको पता ही है 34.33 है. तो हम हर क्यूब का वेरिएशन निकालेंगे. तो पहले क्यूब की स्ट्रेंथ क्या है, 29.0 माइनस मीन स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रेंथ इनटू 100. तो कितना वेरिएशन आ रहा है, माइनस 15.53. और हमारा क्राइटेरिया क्या बोलता है, प्लस माइनस 15% की रेंज में. ये आउट ऑफ रेंज है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे रुक जाएंगे. जब यही वाला आउट ऑफ रेंज चला गया है तो ऑब्वियसली दीज क्यूब्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. एक्सीड्स प्लस माइनस 15% रेंज, नॉट एक्सेप्टेबल. फर्स्ट क्राइटेरिया एक्सेप्ट था क्या, बट सेकेंड क्राइटेरिया में ये नहीं खरा उतर पाए, इसलिए दीज वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अब हम देखते हैं डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कर्व फॉर कॉन्क्रीट. तो ये कर्व किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में, किसकी, कॉन्क्रीट इन न्यूटन पर mm square. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीन कर्व हैं, एक ये वाला, एक ये सेकंड कर्व और ये एक थर्ड कर्व. ओके, तो हमें बताना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा अच्छा कॉन्क्रीट है, कुछ एवरेज है और एक कौन सा पुअर है. ठीक है, तो गुड कॉन्क्रीट वाला ये वाला हो जाता है, एवरेज वाला ये और पुअर वाला ये. अब बताते हैं कि क्यों ये गुड है, क्यों ये एवरेज है और क्यों ये वाला पुअर कॉन्क्रीट कर्व है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, पर यहाँ पे जो सेकंड कर्व है इसमें कितना सारा वेरिएशन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, और जो थर्ड कर्व है इसका वेरिएशन कितना ज़्यादा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में. तो आपको अब पता ही चल रहा है वेरिएशन के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ एवरेज एंड दिस वन इज़ पुअर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन है किसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में. हम क्या चाहते हैं, हमारे जितने भी क्यूब्स बने उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हम देखते हैं कि हर क्यूब की स्ट्रेंथ अलग अलग आती है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि
इस कॉन्क्रीट में कितना कम वेरिएशन है, ठीक है। एक कॉन्क्रीट में बहुत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, फिर दूसरे में थोड़ा कम आ रहा है और तीसरे में कम वेरिएशन है, तो ऑब्वियसली दैट वन इज़ गुड। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। तो यही हमारा फैक्टर है जो इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि कम वेरिएशन होगा मींस गुड कॉन्क्रीट, और जिसमें ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, बिल्कुल ही एकदम कम हो जा रही है फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है कॉन्क्रीट की, तो वो पुअर हो जाता है, ठीक है। सो आई होप डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कर्व फॉर कॉन्क्रीट इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक आई एम डिस्कसिंग हेयर, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके।